ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बिगिन विद आवर एक्सरसाइज 5.1। स्टेट द टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शंस क्या है उसको बताना है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, कि न्यूमिनेटर जो है वो छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो वो क्या आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे 1/17 है, ये भी फ्रैक्शन है क्योंकि जो डिनोमिनेटर है जिन्हें नीचे वाला वो बड़ा है उससे। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि ये 9 बड़ा है ना न्यूमिनेटर और 5 डिनोमिनेटर छोटा है। 3/7, 1/7, तो ये क्या लाइक फ्रैक्शन है, जिसके ये इक्विलेंट है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर जो हैं वो अलग होते हैं, चेंज जो होते हैं। उसके बाद हमारा आता है जैसे ये 1/2, तो ये क्या है, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 1 5 4 और 1 5, तो 5/2 आ गया। लेकिन ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं करना, हमें इसे क्या करना है, क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि ये यहाँ पर है होल नंबर यहाँ है और फ्रैक्शन साथ में दे रखा है, तो ये क्या है, मिक्स्ड नंबर होता है। उसके बाद हमारा आता है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच, तो क्या करना है इसमें, हमने 5.1 का बी पार्ट है, उसका फर्स्ट है हमारा 2/7, तो 2/7 में क्या करेंगे, मैंने अभी आपको पहले बताया था जो फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, 2 × 2/7 × 2। फिर दूसरा हम करेंगे क्या करेंगे, 2 × 3/7 × 3, फिर करेंगे हम 2 × 4/7 × 4, तो क्या होगा, 2 2 जा 4 7 2 जा 3 2 जा 6 21, 2 4 जा 8 7 4 जा 28। तो ये क्या हमारे सारे इक्विलेंट फ्रैक्शन है, क्या आ गया, 4/14 6/21 और 8/28, ये हमारे क्या है, हमारे फ्रैक्शंस हैं, ये इक्विलेंट फ्रैक्शंस आ गए हमारे। तो हमें क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड है 1/10 देखते हैं, एक हम थर्ड पार्ट है, जो सेकंड और फोर्थ है वो आपने खुद करने, ओके बच्चों। 1/10, तो इसका क्या होगा, 1 × 2/10 × 2, 1/10, 2 के बाद क्या इससे करेंगे, 3 से, 1 × 3 10 × 3, फिर उसके बाद 1 × 4 10 × 4, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 10 जा 20, 3 1 जा 3 10 3 जा 30, 4 1 जा 4 10 4 जा 40। तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गए, 2/10 3/30 और 4/40, ये हमारे इसके तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए, ओके। अब हमारा सी पार्ट है, राइट ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने आपको क्या पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2/4, अब 2/4 जो है, सॉरी 2/8 कौन से टेबल में, दोनों एक ही टेबल में आएंगे, जैसे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो क्या आ गया, 1/4 इसका आंसर आ गया, लोएस्ट फॉर्म क्या आई, 1/4, यानी कि 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर लो, चाहे आप इसको कट कर लो, टेबल में आना चाहिए वो एक, ओके। नेक्स्ट है हमारा 15/18, अब 15/18 कैसे होगा, जैसे 3 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 3 5 जा 15 3 6 जा 18, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो गई, 5/6। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है 21/42, ये किससे जाएगा, 21 के टेबल में आता है, 21 1 जा 1 21 2 जा 42, तो क्या आ गया, 1/2 इसका लोएस्ट फॉर्म आ गई, ठीक। उसके बाद फोर्थ है हमारा 98/100, तो ये किससे जाएगा, 98/100 2 से चला जाएगा ना, 2 4 जा 8
वन बचा 18, टू नाइन ज़ा 18, फिर टू फाइव ज़ा 10, ठीक है, और ज़ीरो 50, तो क्या आ गया हमारा 49 अपॉन 50, हमारी इसकी लोएस्ट टर्म आ गई। ये क्या हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स आ गए, लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स सेम है।